नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल UPSLR एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पता है, ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू कर दिया हो गया है और ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान भी जो है शिक्षकों से कुछ काम किए लिए जा रहे हैं और इस चक्कर में शिक्षक भी हैं परेशान। तो चलिए, परेशान क्या है, अब काम है तो करना ही है। खैर, तो चलिए देखते हैं कि जो यूडाइस प्लस का जो आया हुआ है, पूरा सत्र का भरना हुआ है 21-22 का, डीसीए भर जाने के क्या दिशा निर्देश आए हैं और क्या क्या करना है इसके बारे में ये वीडियो है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या भरना है। तो दोस्तों, ये आदेश आया 19 तारीख का और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ यह आज 20-21 तारीख, तो कोई बात नहीं, देर हो गई है। देखिए क्या यूडाइस डीसीए भरा जाना है सत्र 21-22 का। महोदय, आप अवगत हैं कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार निर्देशक राज्य में शिक्षा से संबंधित व्यापक और गहन सूचना संलग्न यूडाइस प्लस 21-22 DCF डाटा कैप्चर आंकड़े भरे जाने, भारत सरकार द्वारा यूडाइस के आंकड़े प्रमाणित आंकड़े माने जाते हैं तथा विभिन्न फोरम रेटिंग्स आवंटन यूडाइस के आंकड़े प्रयुक्त होते हैं। जनपदों में यूडाइस पोर्टल के माध्यम से DCF भरे जाने की कार्य गतिमान है। इस संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए हम देखते हैं वो कौन से बिंदु जिन पर हमें ध्यान देना है। कल तो भैया, चलिए, जनपद के समस्त विद्यालय तथा सहायता प्राप्त परिषदीय प्राइवेट मदरसा आदि के DCF भराया जाना अनिवार्य। यदि समस्त विद्यालयों के छात्र छात्राओं का संख्या डाटा कैप्चर नहीं है तो जनपद में उक्त क्रम में राज्य नेट इनरोलमेंट रेशियो, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो तथा एडजस्टेड इनरोलमेंट प्रभावित हो जाता है। उक्त आंकड़े प्रभावित होने से भारत सरकार द्वारा निर्गत पीजीआई रैंकिंग में राज्य की स्थिति खराब हो जाती है। ठीक है, समस्त जनपद में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों में छात्र संख्या कैप्चर करते समय ध्यान रखा जाए कि कक्षा 8 में जितने भी छात्र छात्राएं नामांकित है अनिवार्य रूप से कक्षा 9 में नामांकित किया जाए, अन्यथा की स्थिति में जनपद और प्रवेश ट्रांजिशन रेट प्रभावित होता है तथा PGI रैंकिंग में गिरावट आती है। आगे, विद्यालयों में ड्रॉप आउट की प्रवृत्ति को रोकने हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। कक्षा 1 में जितने छात्र छात्राएं नामांकित होते हैं कक्षा 5 में विद्यालय व्यवस्था में नहीं रह पाते, बाहर आ पाते हैं, इससे रिटेंशन रेट प्रभावित होता है, PGI की रैंकिंग में भी गिरावट आती है। यूडाइस के आंकड़ों में विद्यालय की स्थापना संबंधी बिंदुओं को अनिवार्य रूप से सही संकेत कराया जाए, अन्यथा की स्थिति में भारत सरकार के बजट आवंटन में समस्याएं आती। उदाहरण के लिए, यूडाइस में विद्यालय की सुविधाओं का विस्तार हेतु जमीन उपलब्ध था DCF क्रम संख्या 2.11 में अंकित किया जाए, अन्यथा की स्थिति में अतिरिक्त कक्ष अन्यथा आवश्यकता होने के बावजूद भारत सरकार द्वारा उक्त विद्यालय के संबंध में अतिरिक्त कक्षा कक्ष प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया जाता है। यदि विद्यालय में किसी प्रकार के थोड़ा सा दिक्कत है, मरम्मत की आवश्यकता है तो अनिवार्य रूप से DCF के क्रम में 2.3 और ये अंकित किया जाए, अन्यथा की स्थिति में मरम्मत है प्रस्तावित किया जाए DCF अंकित आधार पर मान्य। तो कुल मिला के जब आप DCF भरेंगे तो जो सूचना अंकित होगी कि पढ़ के ही भरेंगे, ऐसे तो भरे नहीं, तो कहने का मतलब यह है ढंग से भरिएगा, क्योंकि ये सूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार जो है राज्य स्टेट गवर्नमेंट से अनुदान मांगती है, उससे बेसिक शिक्षा विभाग में नई चीज़ें होती हैं, बनाई जाती हैं, कमरे अतिरिक्त और सारी व्यवस्थाएँ जो है बनाई जाती है, इसीलिए हर चीज़ बहुत सही तरीके से भरनी है। ठीक है, और काफ़ी बस बाकी कुछ खास नहीं है, तो रिपीटर्स को शून्य ही दिखाना है इसमें। और ये काफ़ी क्या लिखा हुआ है, कक्षा 1 के समस्त विद्यालय में रिपीटर्स की संख्या 0 अंकित की जाए, ये हो गई चीज़ें। और एक देखें और क्या चीज़ है, और समस्त शिक्षकों की मानव संपदा ID जो है होनी चाहिए, ये हो गया, समस्त मानव संपदा ID हो। और विद्यालय में छात्र छात्राओं के तो अरविंद द्वारा टीम द्वारा भ्रमण जो किया जाता है उसके बारे में हो, क्रम में लाइब्रेरी में किताबें कितनी हैं ये अंकित किया जाना चाहिए, और बाकी जो भी वो होंगी जो सही, फिलहाल कुल मिला के सही सही
भरा जाना है, बाकी आप अपने BRC से पता कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट डेट 31 मई तक का है, तो 31 मई से पहले तक का आपको भर देने का है। हो सकता है डेट बढ़ाई जाए, क्योंकि अभी काफ़ी लोगों ने भरा नहीं है, भर ही रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये मिलते हैं एक और वीडियो में, फिर नमस्कार।